देश भर में ईवीएम की सुरक्षा को लेकर विपक्षी दलों ने सवाल उठाए। उन्होंने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विपक्ष के आरोप पर अब चुनाव आयोग ने सिलसिलेवार तरीके से जवाब देना शुरू किया है। अधिकतर लोग इस असमंजस में हैं कि चुनाव के ठीक बाद परिणाम क्यों नहीं घोषित कर रहे, 3 दिन क्या कर रही है बीजेपी सरकार ईवीएम के साथ। लोकसभा का चुनाव परिणाम से ठीक पहले विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग को सत्तारूढ़ बीजेपी पर हमले तेज कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश गाजीपुर में सोमवार को देर रात ईवीएम बदलने का आरोप सामने आया। बीएसपी प्रत्याशी अफजाल अंसारी ने अपने सैकड़ों समर्थकों संग पहुंचकर धरना दिया। आरजेडी नेता राबड़ी देवी, पीडीपी अध्यक्ष महबूब मुफ्ती, आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह समेत कई विपक्षी दलों ने ईवीएम और उसकी सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। इसी बीच चुनाव आयोग ने एक बयान जारी कर हर एक घटना का अपने पक्ष रखा है। यूपी के गाजीपुर जंगीपुर में बने स्ट्रांग रूम में बाहर सोमवार को देर शाम गठबंधन प्रत्याशी अफजाल अंसारी ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पहुंच गए और धरना दिया। जिला प्रशासन और पुलिस काफी समझाने पर वे नहीं माने और ईवीएम की सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें जिला प्रशासन पर पूरा भरोसा नहीं है, उनके लोग खुद मशीनों की निगरानी करेंगे। उन्होंने आरोप लगाकर चंदौली में भी ईवीएम बदलने की कोशिश हुई। इस दौरान उनकी एसडीएम सदर और सीओ से तीखी बहस भी हो गई। अफजाल अंसारी ने आरोप पर अपना चुनाव आयोग ने सफाई दी है। चुनाव आयोग ने गाजीपुर में प्रत्याशी मतदान में इस्तेमाल ईवीएम निगरानी करने का मुद्दा जिससे आयोग पर दिशा निर्देशों को बताया सुलझा लिया गया है। इस बीच गाजीपुर में डीएम के बालाजी ने भी चुनाव आयोग को भेजे अपने जवाब में पूरे विवादों के अफजाल अंसारी के जिम्मेदार ठहराया गया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की स्पष्ट व्यवस्था है, प्रत्येक प्रत्याशी अपने प्रतिनिधि स्ट्रांग रूम की निगरानी के लिए तैनात कर सकते हैं। वहीं डीएम ने कहा कि इसका हवाला देकर अंसारी और से पहले 5-5 प्रतिनिधि, फिर 3-3 और बाद में 2-2 प्रतिनिधि 8-8 घंटे की शिफ्ट में तैनात करने की मांग की गई। डीएम बालाजी ने बताया कि स्ट्रांग रूम के भीड़ बढ़ने की आशंका को देखते हुए अंसारी ने एक प्रतिनिधि ही रखने के लिए कहा गया, जिसे काफी समझाने के बाद वह मान गया। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, आम आदमी पार्टी जैसे और बीएसपी के कई दिग्गज नेताओं ने स्ट्रांग रूम के बाहर अपना सुरक्षा भी लगाने की मांग करी और उन्होंने उसके बाहर धरना प्रदर्शन देना शुरू कर दिया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।